नमस्कार, फास्ट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। इलाहाबाद में चल रहे अर्ध कुंभ मेले में शामिल होने के लिए शुक्रवार को तीर्थ यात्रियों का एक जत्था इलाहाबाद के लिए रवाना हुआ। इन तीर्थ यात्रियों को नागरिकों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। तीर्थ यात्री कुंभ मेले में फरवरी में आयोजित होने वाले मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के दो शाही स्नान में शामिल होकर इसके बाद वापस बासुदा के लिए रवाना होंगे। तीर्थ यात्री इलाहाबाद के अलावा रास्ते में पड़ने वाले तीर्थ स्थलों का भी दर्शन लाभ लेंगे। कुंभ यात्रा के संयोजक गोपाल दास सेनानी चंदा ढाना ने बताया कि रामकृष्ण तीर्थ यात्रा में जिले भर से तीर्थ यात्री दो बसों के माध्यम से कुंभ मेले में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। कुंभ यात्रा में तीर्थ यात्री प्रयागराज मेले के अलावा तीर्थ यात्रियों को कुंभ मेले के अलावा मेहर, चित्रकूट, अयोध्या, बनारस और चित्रकूट की यात्रा करके वापस बासुदा के लिए रवाना होंगे। यहाँ से छूटेगी मैहर, मैहर से सीधी इलाहाबाद, इलाहाबाद से बनारस, अयोध्या, अयोध्या से वापस आएगी चित्रकूट, चित्रकूट से बासुदा। कितने यात्री हैं लगभग इसमें? होंगे 120। 120 नहीं, पहली बार जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आप बस से जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने लोग हैं लगभग? हम इसमें वैसे तो 60 लोग हैं, लेकिन मेरे साथ 8 लोग हैं। तो कहाँ कहाँ यात्रा जाएगी आपको है? हम यहाँ से जाएंगे झांसी, झांसी से ओरछा, ओरछा से मैहर, चित्रकूट के बाद इलाहाबाद, प्रयागराज, फिर बनारस, बनारस के बाद अयोध्या, अयोध्या के बाद विंध्यवासिनी, इस प्रकार वापस लौट के घर। हम तो पहली बार जा रहे हैं भैया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ कहाँ अपना से जाए आराम से। तो कहाँ कहाँ जाएगी यात्रा आपको है जानकारी? अब ये जानकारी तो नहीं है हमारे लिए। आप कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज, प्रयागराज, महाकालेश्वर, एक ओंकारेश्वर, बनारस और काशी, अयोध्या। गंज वासुदा से विजय विद्रोही की रिपोर्ट।